वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिबिलिटी बेस टीचिंग करवाए थे। टुडे टीचिंग जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे डिस्कस जो करेंगे मैट्रिसेस एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। मैट्रिसेस वेरी इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है मैथमेटिक्स में, जो कि आपको मैथमेटिक्स का नोटेशन वगैरह, चाहे मान लीजिए फिजिक्स में रिफ्लेक्शंस चैप्टर हो प्लेन में, या मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, रोटेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए मैट्रिसेस का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, चाहे मोबाइल हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, उसका प्रिंसिपल्स, उसका नोटेशन, सिंबल्स वगैरह मैट्रिसेस का, वहाँ भी मैथमेटिकल टूल के रूप में काम करेगा। सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, मॉडर्न साइकोलॉजी हो, साइंस हो, डिफरेंट इकोनॉमिक्स हो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो, सभी जगह इसका उपयोग आपको है ना पढ़ने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ते जाइएगा और इसका एप्लीकेशन वगैरह को पढ़ने को आपको मिलेगा। जब एप्लीकेशन पढ़िएगा, ये थ्योरी के बाद जो आपको एप्लीकेशन यूज होगा, तब इसका है सो यूज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगा। टुडे डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिसेस में मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। तो मैट्रिक्स जो है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर एरी है ऑफ mn नंबर्स। रेक्टेंगुलर एरी मीन्स क्या? सजावट, व्यवस्था, अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर एरी ऑफ mn नंबर इन द फॉर्म ऑफ m horizontal line, जिसको हम लोग रो भी बोलते हैं, एंड n vertical line, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n के रूप में। m है सो इंडिकेट करेगा उसका रो को, n इंडिकेट करेगा उसका कॉलम को। इस तरह का जो लाइन हो, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन, इसी को हम लोग रो भी बोलते हैं। एक नया नाम इसका रो हो गया। यदि लाइन आपका इस तरह का है, तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं। इस लाइन क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। इसी को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं। क्या हो गया? कॉलम। इसको हम लोग कॉलम भी है ना, कॉलम भी कहते हैं। तो इस तरह का लाइन जो है वर्टिकल हो गया, इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो मैट्रिसेस में आपको देखना है कि रेक्टेंगुलर एरी है mn नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरी है, और जिसमें m है सो उसका हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। n वर्टिकल्स लाइन है, वर्टिकल्स नंबर्स है, जिसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपका मैट्रिक्स जो है ऑर्डर m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं। ऑर्डर m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स को हम लोग आपको समझाते हैं किस तरह का इसको अरेंजमेंट करेंगे। यानी m ई रो को दिखा रहा है, और ये है सो कॉलम को दिखा रहा है, यानी m रो और n कॉलम। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। वो जो रेक्टेंगुलर एरी है, उसका सिंबल आप ऐसा भी दे सकते हैं या ऐसा भी दे सकते हैं। जनरली सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा ये एक्सपेंड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे a11 a12 a21 a22 a2m। इस तरह से बढ़ते जाएंगे a a
ए जो है एन देंगे, एन कॉलम है, और ए एम वन ए एम टू डैश डैश ए एम एन, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी एम रो और एन कॉलम का। इस तरह का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इस तरह का जो आयताकार सजावट है, इस तरह से रेक्टेंगुलर एरी को, इस तरह से रेक्टेंगुलर एरी का जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग ऐसो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स का जो प्लुरल फॉर्म है उसी को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स हो गया, इसका प्लुरल फॉर्म है सो मैट्रिसेस हो गया। द मैट्रिसेस क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एरी है ऑफ एम एन नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ एन एम हॉरिजेंटल लाइन्स, उसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, एन वर्टिकल लाइन्स कॉलम के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर एम क्रॉस एन का। ये इंडिकेट करेगा रो को, ये इंडिकेट करेगा कॉलम को। अब आपको जो है सो डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स बताएंगे, डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे, किस तरह से उसको हम इंडिकेट करेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स का टाइप। सबसे पहला हम लेंगे रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स नाम से ही पता है, जो ओनली वन रो को कंटेन करता है, मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ वन ही रो हो, माने ऐसा हो वन माइनस वन जीरो, यानी वन रो है और थ्री कॉलम है। कॉलम इसका ये हो गया, ये इसका कॉलम हो गया, कॉलम इसका कितना है तीन, वन टू थ्री, रो कितना है वन। तो ऐसा मैट्रिक्स जो ओनली रो को कंटेन करे, ओनली वन रो को कंटेन करे, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम रो मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जब कॉलम मैट्रिक्स का बात आएगा तो ऐसा मैट्रिक्स जो ओनली वन कॉलम को ऐसो ये कंटेन करता हो, ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स है, ओनली वन कॉलम को, कॉलम वन है और रो इसका कितना है थ्री है, वन क्रॉस थ्री। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर होगा, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, थ्री रो और थ्री कॉलम। सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नो इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितना रो उतना कॉलम होगा। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखना है कि डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट जो है जीरो होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ये देखिए वन रो वन कॉलम वाला डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, माइनस वन जीरो जीरो और टू, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल का एलिमेंट छोड़ के बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है उसका जीरो होगा। ऐसा भी ले सकते हैं थ्री जीरो 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 वन जीरो जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव। इस तरह से सिर्फ डायगोनल का ही आपका कोई रियल नंबर हो सकता है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा आपका जीरो होगा। इस तरह से फिफ्थ में हम आपको बताएंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। इसके बाद हम आपको देंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, सच टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। सपोज कर लीजिए कि ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस फाइव ऐसा, या ऐसा ले लीजिए टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू, यानी डायगोनल एलिमेंट उसका सेम आना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सच टाइप्स का जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स,
बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट उसका क्या होगा, जीरो आएगा। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स में आइए कि यूनिट मैट्रिक्स कैसा है, उसी को कभी कभी उसी का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, उसका डायगोनल का एलिमेंट वन होगा, बाकी अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। इसको हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1, ये हो गया है ना। इसको हम लोग I2 भी कह सकते हैं, दो रो दो कॉलम का है। या ऐसा भी कोई स्टूडेंट लिखेगा डायगोनल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसको हम लोग I3 भी लिखेंगे। कहने का मतलब वैसा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट यूनिट हो, वन हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो सच टाइप्स का मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आएगा इक्वल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो, उसका ऑर्डर के साथ साथ उसका एलिमेंट भी इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वल मैट्रिक्स। उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ऑर्डर भी सेम हो, उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स, कंपेरेबल है, ऑर्डर उसका सेम है, लेकिन जब इक्वल का बात आएगा तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी मिलना चाहिए, 1 0 1। सपोज कर लिए कि दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, इसको इक्वल कब कहेंगे, जब उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। यानी इसमें लिखेंगे 0 -5 6 3, सपोज कर लिए ये है, और 3 -1 और 0 ऐसा है, तो आप बी भी लेना होगा इसी का जिसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, 1 0 1 0 -5 6 3 -1 और ये 0। यानी इस केस में मैट्रिक्स तो कंपेरेबल है, जितना रो इसका भी है सो 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। जैसे पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट जीरो है, तो पहला रो दूसरा कॉलम ये दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है, जीरो है। तीसरा रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यह जीरो है, तो तीसरा रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, यह जीरो है, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर के साथ साथ उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी यदि इक्वल हो जाए तो सच टाइप्स का मैट्रिक्स को, सच टाइप्स का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स जो है उसके बारे में बता दिया है। एक जीरो मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स जीरो है जिसका ऑल एलिमेंट जीरो आ जाएगा, ऑल एलिमेंट क्या होगा उसका, जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स उसका सब एलिमेंट जीरो होगा, 0 0 0 0 ऐसा, दो रो दो कॉलम का है लेकिन सब एलिमेंट उसका क्या है, जीरो है, इस तरह से। तो इस तरह से डिफरेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको डिस्कस किए हैं, मैट्रिक्स का डिफिनीशंस को आपको डिस्कस किए, उसके बारे में डिटेल में आपको ऐसो समझाए हैं। नौ एक मैट्रिक्स ऐसो रिप्रेजेंट करेंगे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट कुछ हम अपना तरफ से ले लेंगे और कुछ अपना तरफ से कंसीडर कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लिख करके आपको हम दिखाएंगे। कंसीडर ए मैट्रिक्स ऑर्डर टू, एक कंसीडर कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑर्डर टू का, कंसीडर कर रहे हैं एक मैट्रिक्स ऑर्डर टू का, उस मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हम ऐसा बनाते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 2x2 यानी ऑर्डर 2 का, होज एलिमेंट उसका जो एलिमेंट है aij, जो एलिमेंट है i+2j का होल स्क्वायर / 2, ऐसा है। इससे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें दो मैट्रिक्स को
कब हम एडिंग कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, कब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो एक मैट्रिक्स है सो है नो बी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का होज एलिमेंट आर गिवन, दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट लिखना है तो उसका जो एलिमेंट का जो फॉर्म दिया वहाँ बैठाएंगे, 1+2×1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 1 और 2 3 का होल स्क्वायर यानी 9/2 आ गया। ए 1 2 लिखेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम यानी 1+2×2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 1 5 यानी 5 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। अब लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, तब यहाँ पर लिखेंगे 2+2×1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2 16/2 यानी 8 आ गया। ए 2 2 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2+2×2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2+4/2 का होल स्क्वायर 2+4 4+2 यानी 6 का होल स्क्वायर 36/2 यानी 18 आ गया। अब मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, दो रो दो कॉलम वाला जो मैट्रिक्स आ गया उसमें पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 9/2 है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 25/2 है, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट 8 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 18 है। इस तरह से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर दिए। इस तरह से आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल है, कुछ प्रॉब्लम भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। मैट्रिसेस आपको मैथमेटिक्स में बहुत आसान है। कोई भी टीचर जो है सो आपको बहुत आसानी से आपको डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से इसके बारे में समझाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, उसका तरीका को पकड़ना है। रटा रटाया हुआ पुराने पद्धति को छोड़ दीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।